सभी विद्यार्थियों का यस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन पोर्टल में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम जैसा कि बात कर रहे हैं, मेरा नाम दिनेश बेनीवाल और मैं आपका नया फिजिक्स ट्यूटर। तो नेक्स्ट कल जो हमने टॉपिक बात की थी इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में सबसे पहले हमने बात की थी चार्ज और उसके बाद में मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के क्या क्या मेथड है। तीन मेथड की हमने बात की थी, एक कंडक्शन है, एक फ्रिक्शन है और तीसरा मेथड जो आपका है वो इंडक्शन। सबसे ज्यादा जिसे प्रैक्टिकली यूज कौन सा आपका कंडक्शन मेथड है। कंडक्शन में क्या है, या तो आपको दोनों को आपस में कॉन्टेक्ट में ले आओ दोनों बॉडीज को, या आप क्या कर सकते हैं किसी वायर के थ्रू आप बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद में हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की कल बात की। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पर सबसे पहले अपने पास में था इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो अपने पास में क्या थी, इनवेरिएंट या इनवेरिएंस। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये है कि यदि चार्ज आपका रेस्ट अवस्था में है, ये चार्ज आपका रेस्ट कंडीशन में है या चार्ज मोशन में है, दोनों ही कंडीशन में जो पार्टिकल है उस पर जो चार्ज की वैल्यू है वो वैल्यू आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब सीधा सा ये है कि स्पीड के साथ में चार्ज की वैल्यू पे कोई भी किसी भी प्रकार का फर्क नहीं आएगा, जो पहले है वही क्या रहेगा, बाकी रहेगा। अब इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी आपको जस्ट एक थिंग याद रखना है, एडिटिविटी क्या, एडिशन, यानी ये किसको बताएगा, चार्ज के एडिशन को बताएगा कि चार्ज किस प्रकार से ऐड होंगे। एक चार्ज है तो ठीक है, एक से ज्यादा चार्ज हैं तो वो किस प्रकार से ऐड होंगे। तो पहले एक जनरल सी थोड़ी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, चार्ज की जो स्केलर क्वांटिटी, सबसे पहली बात तो क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं स्केलर क्वांटिटी है। सो टोटल चार्ज इन ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम का हम कोई भी सिस्टम बना सकते हैं। जैसे इस प्रकार से हमने एक सिस्टम बनाया, इसमें चार्ज हमने मान लिया +1 कूलम है, ये -3 कूलम और ये +4 कूलम, ये हमने कोई सिस्टम मान लिया। ये सिस्टम क्या हो सकता है, ये सिस्टम आपका मोल हो सकता है, ये सिस्टम आपका कोई पार्टिकल हो सकता है, ये सिस्टम आपका एटम हो सकता है, इस प्रकार से कोई भी सिस्टम मान लिया। तो टोटल चार्ज इन ए सिस्टम गिवन बाई एलजेब्रिक सम ऑफ आल चार्जेज प्रेजेंट विद इन, इसका मतलब क्या है कि एलजेब्रिक सम होगा, जो एडिशन करेंगे हम चार्ज का वो कौन सा सम होगा, एलजेब्रिक सम। अब सम आपने दो प्रकार के देखे हैं, एक एलजेब्रिक सम होता है, एक क्या होता है, वेक्टर सम होता है। तो वेक्टर क्या होता है, जो राशियां वेक्टर होती है, जो क्वांटिटीज वेक्टर होती है उनका एडिशन कैसे करेंगे, उनका वेक्टर एडिशन करेंगे, लेकिन ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसका क्या होगा, एलजेब्रिक सम होगा। इसका फॉर्मूला जैसे हम दें कि समीशन क्यू इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा Q1 +Q2 +Q3 और इसी प्रकार से चलता जाएगा। मान लो अपने पास टोटल n चार्ज है तो ये कहां तक होगा, Qn तक होगा। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से आप ले सकते हैं। बहुत बार ये आपकी डेफिनेशन आती है क्या, एक्सप्लेन द एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो उसके अंदर आपको क्या बोलना है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो टोटल चार्ज ए सिस्टम गिवन बाय एलजेब्रिक सम ऑफ आल चार्जेज प्रेजेंट विद इन, और उसके बाद में ये आपको फॉर्मूला लिखना है। क्या है फॉर्मूला, समीशन क्यू इज इक्वल टू Q1 +Q2 +Q3 प्लस एंड सो ऑन और Qn, इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके एग्जाम्पल कैसे आते हैं, जैसे इसी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिटिविटी करनी है, इसका सम करना है। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, टोटल हम इस सिस्टम के लिए समीशन क्यू जब देखेंगे, समीशन क्यू तो वो क्या होगा, सबसे पहले आपके पास में क्या आ रहा है, 1 कूलम, तो 1 कूलम उसके अंदर फिर जोड़ देंगे कितना आपका, -3 कूलम, तो मेरे लिए देता हूँ -3 कूलम, और उसके बाद में क्या है, 4 कूलम, तो लिख देते हैं +4 कूलम। तो अब टोटल देखो पॉजिटिव वाले कितने हो गए, 4 8 5, और 5 में से कितना चला गया, 3 चला गया,
तो इक्वल क्या हुआ यहाँ पे आपका प्लस टू कूलम, यानी इस सिस्टम का नेट चार्ज अपने पास में कितना है टू कूलम। तो ये क्या है एडिटिविटी ऑफ ए चार्ज, यानी उसका एडिशन। सीधा सा करना हमने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, चीजों को सीधी जोड़ते हैं, जैसे कि ये एक चार है तो चार और एक पांच हो गया, इसमें से तीन को अपने को सब्ट्रैक्ट कर देना है, इक्वल टू कितना आया आपका टू का। तो ये क्या होता है आपका एल्जेब्रिक सम, और ये है एडिटिविटी ऑफ ए चार्ज। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो दो प्रॉपर्टी देख ली है, हर प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बनेगा। एक नंबर के लिए आपको चारों प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखनी है, पहले तीन मेथड थे, चार तीन के उसके बाद में ये प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ सकता है। तो इन प्रॉपर्टियों को आप देखेंगे, दो तीन बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगी। तो नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अभी हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर आगे फिर पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर भी कंजर्वेशन है, तो इस प्रकार से काफी है, मेनली ये एक ही चीज है इसमें। तो यहां हम जब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन जब एनर्जी की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एनर्जी नाइदर रिक्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, ये कहते हैं। इसी प्रकार से अब हम कंजर्वेशन किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर्ड, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ये है कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। तो अब इसके अंदर आप एक बात कहोगे कि नहीं, हमको चार्ज को क्या करते हैं, क्रिएट भी करते हैं। कहां क्रिएट करते हैं, जैसे फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन में जैसे कि हम कोई दो वस्तु लेते हैं और दोनों को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं। तो उस कंडीशन में आप कहते हैं कि एक बॉडी तो अपनी पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज हो गई तो हमने चार्ज को क्या कर लिया, प्रोड्यूस कर लिया, और दूसरी बॉडी क्या होगी आपकी, नेगेटिव हो गई। तो आप कहेंगे कि हमने चार्ज को यहां पे क्रिएट किया है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन एक्चुअली यदि हम देखेंगे तो इसमें हुआ क्या है, इसमें केवल चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि रब के अंदर यहाँ पे जितना प्लस क्यू चार्ज है उतना ही माइनस क्यू चार्ज है। तो यदि हम यहाँ पे क्यू नेट देखेंगे तो क्यू नेट इज इक्वल टू प्लस क्यू माइनस क्यू, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट चार्ज हमने कितना उत्पन्न किया यहाँ पे, जीरो, यानी नेट चार्ज हमने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया है। इस प्रकार का मेथड होता है, इसमें चार्ज क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो पूरे नेचर का जो चार्ज है वो कॉन्स्टेंट है, तो हम उसके अलावा नया ना तो कुछ क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब इसके बाद में बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन में भी चार्ज क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। ऐसे जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन और इसकी रिएक्शन कराएंगे इसके साथ में हीलियम के साथ, तो आपके पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमने बना दिया ऑक्सीजन और एक 1H1 प्रोटॉन। तो यहां पे हम यदि बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे या नेगेटिव चार्ज की बात करें, तो नाइट्रोजन पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन पर कितना होता है, प्लस ई होता है, तो 70 प्रोटॉन कितना हो गया, 7E हो गया, यानी यहां पे पॉजिटिव चार्ज की बात कर लेते हैं एक बार, 7E हुआ। हीलियम पे कितना हुआ, प्लस 2E हुआ। यहां पे ऑक्सीजन इस साइड में आए तो ऑक्सीजन पे कितना हुआ, 8E हुआ, और प्लस में ये कितना हुआ, 1E। तो आप कहेंगे कि यहां पे चार्ज इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, 7 से क्या हुआ है, 8 हुआ है। लेकिन आप जब टोटल देखेंगे 7 और 2 कितना हुआ आपका, 9E, और यहां 8 और 1 कितना हुआ, 9E। तो रिएक्शन से पहले टोटल चार्ज कितना था इन दोनों पार्टिकल दोनों एटम पे, 9E, और यहां रिएक्शन के बाद में दोनों पार्टिकल पर टोटल चार्ज कितना है, 9E। तो हमने क्या क्रिएट किया, इसमें कुछ भी क्रिएट नहीं किया, ना ही कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है। तो यहां पे चार्ज के कंजर्वेशन का मेथड अपना लगता है।
हाँ, इसके बाद में लास्ट प्रॉपर्टी है, इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज भी क्वांटिटाइज्ड है, तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ ए बेसिक चार्ज। सबसे पहले ये डेफिनेशन है, यदि आता है एक्सप्लेन द क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आपकी ये डेफिनेशन लिखनी है। क्या है डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ज ऑफ ए बॉडी इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ ए बेसिक चार्ज, डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में इसमें हर डेफिनेशन के साथ में यदि कहीं पे फॉर्मूला सेट हो रहा है तो आपको फॉर्मूला देना है, तभी इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। सभी में नहीं होता, लेकिन मोस्टली फिजिक्स में सबके साथ में कहीं ना कहीं फॉर्मूला जुड़ा होना होता है, और वो फॉर्मूला आपको शो करेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज इसमें क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो यहाँ का फॉर्मूला क्या है, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप चाहें तो रफ में इसको साथ साथ में नोट कर सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ के अंदर सारी चीजें इंक्लूड है। तो ये फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पे एन, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से कुछ भी रख सकते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं, तो क्वांटिटाइजेशन का जो मतलब है वो क्या है, जो चार्ज आपको अवेलेबल होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड अमाउंट में आपको अवेलेबल होगा, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। ये सिंपल सी चीज है कि क्वांटिटाइजेशन का आप अपने हिसाब से आपको मतलब चाहिए तो वो क्या है, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, कि जो भी चार्ज आपको मिलेगा वो किसमें मिलेगा, फिक्स्ड अमाउंट में। और वो फिक्स्ड अमाउंट किसकी मल्टीप्लाई चलेगी, वो ई की मल्टीप्लाई चलेगी। और यहां जो ई है इसको हम कहते हैं बेस चार्ज, आप बेस चार्ज कहो या बेसिक चार्ज कहो। और इस ई की वैल्यू क्या होती है, इस ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये ई की क्या है, वैल्यू है, जो बेस चार्ज है उसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब आपको जितना भी चार्ज चाहिए वो ई के मल्टीप्लाई में ले लो, कैसे, आपको चाहिए 1e तो आप 1e चार्ज लें, या फिर 2e या 3e या 4e, मतलब सारे के सारे e के क्या चलेंगे, मल्टीपल चलेंगे। यदि आप चाहो कि e का हमें 1/3 चाहिए, आप कहेंगे 1/3 e चार्ज हमें मिल जाए, तो वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो भी चीज चार्ज आपको अवेलेबल होगा वो किसमें होगा, फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होगा। और वो फिक्स अमाउंट क्या हो गई आपकी ई, और इस ई को क्या कहेंगे हम, बेस चार्ज। और इस बेस चार्ज के इंटीग्रल मल्टीप्लाई के रूप में आपको चार्ज क्या होगा, अवेलेबल होगा। यानी आप 1e 2e 3e 4e 1000e या इसके कितने भी मल्टीपल ले जाओ, लाखों में अरबों में, तो वो चार्ज आपको मिलेगा। आप यदि ये चाह रहे हैं कि 1.3e चार्ज मिले, तो यहाँ पे ये चार्ज आपको अवेलेबल नहीं होगा। क्वांटिटाइजेशन का ये मतलब आगे भी कहीं पर आएगा, उसका भी यही मतलब है कि आपको कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसी जगह फोटोन के अंदर फोटोन्स की बात करें तो फोटोन भी क्वांटिटाइज होते हैं। उसका मतलब होता है कि आप कोई भी फोटोन ले लो, छोटे से बड़ा, वो 1, 2, 3 इनके मल्टीप्लाई में आपको प्राप्त हो सकता है। आपको 1/3, 2/3, 1/2 इस प्रकार से आप कहेंगे 1.5e चार्ज, तो ये आपको नहीं मिलेगा। आप कहेंगे 2/3e, तो ये चार्ज आपको अवेलेबल नहीं है। और इस फॉर्मूले में आगे हम क्या लगा देते हैं, प्लस और ए माइनस। तो प्लस किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज की जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज अपने पास किस प्रकार से आता है, जैसे मान लो 1 कूलम अपने पास में आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज है, उस कंडीशन में आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, क्यू बराबर प्लस एन ई। और जब आप नेगेटिव चार्ज को कैलकुलेट कर रहे हो तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, क्यू बराबर माइनस एन ई। यहां माइनस किसको बताता है, नेगेटिव चार्ज को बताता है। तो जैसे -1 कूलम आपने कैसे भी कैलकुलेट किया, इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, तो -1 कूलम, तो इसके अंदर नेगेटिव, ये किसको बताता है, नेगेटिव चार्ज को बताता है। इसका यदि मैग्नीट्यूड ले लो तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, +1 कूलम। बहुत बार मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, तो मैग्नीट्यूड में वैल्यू सारी की सारी क्या आ जाती है, पॉजिटिव में आ जाती है।
तो यहाँ पे ये नेगेटिव सिंबल किसको बताता है, नेगेटिव चार्ज को बताता है। एक बार फिर क्वांटिटाइजेशन के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले क्वांटिटाइजेशन का मतलब क्या है, एक सिंपल सा मतलब आपको याद रखना है, क्या अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। चाहे किसी भी चीज का क्वांटिटाइजेशन हो, कम से कम दो या तीन जगह क्वांटिटाइजेशन आएगा आपका, सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, क्या अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। कोई भी, अब ये चार्ज का है, यदि आगे एनर्जी का फोटोन का होगा तो वहां पर फोटोन हो जाएगा, तो वहां पे क्या है कि अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। चलो अब इसकी क्वांटिटाइजेशन और चार्ज की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ ए बेस चार्ज। बेस चार्ज अपने पास क्या है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, ठीक है। इस E को याद रखें और फॉर्मूला हम बनाएंगे। अब E का इंटीग्रल मल्टीप्लाई है तो एन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या बना, क्यू बराबर एन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्यू इक्वल टू एन ई प्लस पॉजिटिव चार्ज के लिए माइनस ए नेगेटिव चार्ज के लिए। ये आप कैलकुलेट करके बाद में नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो लास्ट में माइनस चला दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। और आगे फिर थोड़ा सा मीनिंग इसका बता देते हैं कि ई का मल्टीप्लाई होगा, फुल मल्टीप्लाई होगा 1E, 2E, 3E, 4E, इस प्रकार से आपको पॉजिटिव चार्ज भी मिल सकता है और आपको नेगेटिव चार्ज भी मिल सकता है। तो आपको क्या नहीं मिलेगा क्वांटिटाइजेशन में, क्वांटिटाइजेशन में आपको 1/3 E चार्ज नहीं मिलेगा, 1.3 E या कुछ भी जो भी डेसिमल में वैल्यू जाती है वो किसी भी प्रकार का चार्ज आपको नहीं मिल सकता। तो ये क्या है, क्वांटिटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। अब यहीं पे एक चीज छोटा सा न्यूमेरिकल में बता देता हूं। कई बार न्यूमेरिकल आता है कि ए कूलम पॉजिटिव चार्ज, आपके पास में क्या है, ए कूलम पॉजिटिव चार्ज, आपकी क्यू की वैल्यू है। एक कूलम पॉजिटिव चार्ज होने के लिए किसी बॉडी को कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़े, ये तो हम पहले देख चुके हैं कि कोई भी बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के चार्ज रहते हैं। तो अब हमें इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉनों को इससे क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, तभी ये पॉजिटिव चार्ज होगी। तो इस बॉडी को हम कितना पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं, 1 कूलम। तो इसको 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज करने के लिए अपने कितने इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा, इससे इमिट कराना पड़ेगा, इससे बाहर निकालना पड़ेगा, तो वो अपने को बताना है। तो ये किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, अभी हमने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या है, क्यू बराबर एन ई, ठीक है। तो अपने को क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है, यहां एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन इक्वल टू क्या हुआ आपका, क्यू अपॉन ई, फॉर्मूला हो गया। अब इसके अंदर वैल्यूज रख लेते हैं, एन इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या अपने पास में, 1 डिवाइड बाय ई, ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10^-19, हो गया। अब इसके बाद में देखें, अब आपको ई को किससे डिवाइड करना है, 1.6 से डिवाइड करना है, तो जाहिर सी बात है जो आपका आंसर 1 से कम ही आएगा, क्योंकि बड़ी छोटी संख्या में बड़ी का भाग देंगे तो वैल्यू कम, एक से कम आएगी। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 0.625 इंटू ये 10^-19 है, ये ऊपर जाके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, 10^9, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस डेसिमल को एक इस साइड में लाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 6.25 इंटू 1 अपनी कम हो जाएगी 10^18, और ये क्या हो गए आपकी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो वो क्या होगी, 1 कूलम पॉजिटिवली चार्ज होगी। और ये कितने इलेक्ट्रॉन है, ये है 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूमेरिकल आप नोट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा है, हमने सबसे पहले मेथड देखे हैं, चार्जिंग के 3 मेथड थे, उसके बाद में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इनमें से 4 प्रॉपर्टियां बताई है और एक नंबर के लिए एक प्रॉपर्टी पूछी जाएगी डेफिनेटली। तो हमने किस किस की बात की, इनवेरिएंटी की बात की, उसके बाद में हमने बात की एडिटिविटी की, उसके बाद में कंजर्वेशन की, और अब हम बात करें क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज और इस पे न्यूमेरिकल। आज के लिए इतना ही,
कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, कि जो कूलॉम्स लॉ है वो किस प्रकार से वर्क करता है, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड, अपना जो सिर्फ चैप्टर में आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किस प्रकार से जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।